नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम आज के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट दो। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट वन देख चुके हैं पिछले वीडियो में, ये प्रैक्टिस सेट दो है। डेली ये वीडियो 4 बजे शाम में अपलोड कर दिया जाता है, तो डेली शाम में 4 बजे आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम आज इसको कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में हम टोटल 50 क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लें। डेली वन सेट आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो ये किन दो शहरों के बीच, पुणे से दिल्ली के बीच उड़ान भरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए करीब एक साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो यह एमपॉक्स के लिए चल रहा था वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको जो है मंजूरी दी गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी हुनूर दिया गया है। किसको दिया गया है? तो यह टाटा के जो अध्यक्ष है एम चंद्रशेखरन, इनको दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, भी सही है। एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो वह बनी है प्रतिभा भूलर माल्डोनाडो। ठीक है, प्रतिभा भूलर माल्डोनाडो यहाँ पे ये बनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस तारीख को? 26 नवंबर को। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? यह किस देश में? चिली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बोला है इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इटालियन ओपन 2023 से संबंधित है। यह कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। एलेना रायबकीना ने महिला एकल का खिताब, किस देश से रहने वाली है? कजाकिस्तान के रहने वाली है। रूस के डेनियल मेडवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कब से कब तक? तो 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर में किया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दी गई है? तो यह गौरी को दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गौरी को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ लोगेहू लगा हुआ है, तो ये पपुआ न्यू गिनी का है। ऑप्शन डी राइट आंसर, लोगेहू लगा हुआ है पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वदेश रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? भारत की पहली एयरलाइन है इंडिगो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, एयर एशिया है, यहाँ पे इंडिगो नहीं एयर एशिया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हवाई यात्रा के द्वारा वह बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों के बारे में, लिंडा याकरीना या किसकी? तो ट्विटर के सीईओ बनी है, बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं, बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा रॉ के नए निदेशक कौन बने हैं। अर्जुन मेघवाल एक वन है, तो अर्जुन मेघवाल भारत के कानून मंत्री है। पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे, तो वो अब क्या मंत्री, उनको अब कौन सा मंत्रालय का मंत्री बनाया गया, वो आप कमेंट करके बताइएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो ने NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु की घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ओके, ये फर्स्ट सही है। यह इसे 29 मई 2023 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। NVS-01 उपग्रह को GSLV-F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। यह WHO के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। यह थिरुकुरुल का विमोचन किया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है। यह उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद एंजेले रोडेल ने किया था, ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन 2023 के 61 संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में इसमें इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सीडेक द्वारा सीडेक पुणे में स्थापित भारत के ए सुपर कंप्यूटर एरावत दुनिया में 75वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। और फ्रंटियर्स दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये भी सही है। फ्रंटियर किस देश का है, USA का, अमेरिका का है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, फ्रंटियर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया। राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है, तो ये केरल के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया, वो अमेरिका शामिल हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया है। तो ये किसके, ये कौन बने हैं, मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख मेयर कौन बने हैं, तो वो बने हैं जसवंत सिंह वर्दी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। और पुल सेवेरी को नवाह से जोड़ता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया एलन मस्क के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति हो गए, यानी दोनों पैर नहीं था और बिना दोनों पैर के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, यह बन गए हैं, उनका नाम क्या है, इनका नाम है हरी बुद्ध मागर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरी बुद्ध मागर। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में रखा गया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बोला देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है, पटना नगर निगम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार है जिसका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया, ये भी सही है। ABCD सभी सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। IIFA अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को दिया गया, ये भी सही है। 1, 2, 3 दोनों सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? रॉस्किन बॉन्ड द्वारा पुस्तक द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ए सही है। डॉक्टर मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ए भी सही है। आदित्य भूषण द्वारा गट्स एमडिस्ट ब्लड बेथ द अंशुमान गायकवाड, ए पुस्तक लिखा गया आदित्य भूषण के द्वारा। ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बोरा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बोला टिनिबू कौन है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति है। रेसेपे तैयब अर्दोगान है तुर्की के राष्ट्रपति है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या है अध्यक्ष, जिनको नियुक्त किया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल्मे डी ओर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ट्रान अनहोंग को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोजी याकुसो को दिया गया। 1, 2, 3 से है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन देहरादून में किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी? या न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनाथ और निराश्रित बच्चों के बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? सुख आश्रय योजना किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों को में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? यह बनाया गया जगदीश पिल्लई के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में देश का स्थान पहला और दूसरा है, तो यहाँ पे चाइना का स्थान पहला है और हमारा देश इंडिया का स्थान दूसरा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? यह किसको नामित किया गया है? त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नामित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन शीर्ष घोषित किया गया? नेपाल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य ने फिर से शुरू की है? यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा में मुंबई के बीच किया है, ये किसके द्वारा इसको बनाया गया? तो यह फास्ट इंस्पेक्टर के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया, ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ये भारत ही बन गया, ऐसा कीर्तिमान करने दुनिया का पहला देश बन गया भारत। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर सड़क बनाई, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों से ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? यह UGC द्वारा किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है, यहाँ पे किया गया है जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक बने हैं और रवनीत कौर भारतीय प्रतिष्ठा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, उत्सव यानी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
यह लॉन्च किया गया यूजीसी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया जा रहा है? यह भारत और किस देश के बीच, तो यह सऊदी अरब के बीच किया जा रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेट दो का टोटल 50 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए हैं। सेट थ्री कल 4 बजे शाम आपको मिल जाएगा। रात को 10 बजे से लुसेंट का क्लास होता है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और लुसेंट के क्लास में आज होने वाला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक आज होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पूरा इमेज के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाता है 6 मैम के द्वारा, और साथ में उसमें लास्ट में 10 MCQs भी कराया जाता है। नेक्स्ट काफी अच्छा क्लास होता है, आप लोग ज्वाइन करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।